नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टेडीआई अकेडमी स्वागत है आज आपके लिए मैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर किया गया हूँ इसके बाद आपके कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाले इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें यदि आप कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो जैसे कि वन रक्षक की आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो एस की बैंक की यू की पटवारी की किसी की भी तैयारी कर रहे हो रीट वगैरह की तो आप इस वीडियो को जरूर देखें आप किसी भी स्टेट के विद्यार्थी देख रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न से पहला प्रश्न है कार्य का मात्रक है तो कार्य का मात्रक क्या होता है फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से दूरी की इकाई है किसकी डिस्टेंस की नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं सभी को पता है बिल्कुल सी ऑप्शन सही है कैलोरी में ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डेसिबल तुरंत कमेंट कर दीजिएगा सभी का आंसर है बी वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसीबल का काम लिया जाता है नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है तो सदिश राशि कौन सी नहीं है तो द्रव्यमान यहाँ पर सदिश राशि नहीं है जबकि वेग भी है सवेग भी है कोणे वेग भी है सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें आपका जो है दिशा का भी ज्ञान हो और जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं हो वह अध राशि हो गई अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सदीश राशि है तो इनमें से आपको बताना है सदिश राशि कौन सी है तो आपका सदिश राशि ये तो नहीं है समय भी नहीं है लंबाई भी नहीं है द्रव्यमान भी नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन सही है वेग आपका सदिश राशि होगा नेक्स्ट प्रश्न है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का तो बताइएगा शून्य में वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु तो उसकी गति समान होगी वेग समान होगा त्वरण समान होगा बल समान होगा तो क्या होगा सही आंसर है त्वरण समान होगा शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होगा यानी कि जो आपका जो है ए समान होगा या ग्रेविटेशनल आपका समान होगा अगला प्रश्न है आपके लिए एक समान वर्तीय गति में बताइएगा फटाफट से कमेंट करके इसका सही आंसर है चाल अचर और वेग चर होते हैं एक समान वर्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होते हैं नेक्स्ट प्रश्न है रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइएगा रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण संवेक संरक्षण बर्नोली प्रमेय, द्रव्यमान संरक्षण तो नाइन प्रश्न का सभी का आंसर है संवेद संरक्षण के नियम पर कार्य करता है नेक्स्ट प्रश्न होगा वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है बताइएगा सही आंसर है गणत्व वस्तु की मात्रा बदलने पर भी जो है अपरिवर्तित रहता है गणत्व नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है इलेवन तो पर्सन का सही जवाब है तृतीय नियम के कारण किसके कारण तृतीय नियम के कारण तृतीय नियम कौन सा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है आपको बता दूं मैं प्रथम नियम जो है आपको क्या देता है जड़त्व का नियम देता है द्वितीय नियम जो है आपको फोर्स की परिभाषा देता है एफ बराबर एम ए और तीसरा नियम जो देता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम देता है तो इस प्रकार तीनों नियम आपको याद रखने हैं नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है तो मैंने अभी हाल ही में आपको बता दिया है सही जवाब हो जाएगा जड़त्व का नियम नेक्स्ट प्रश्न है डायनेमो आपने जो डायनेमो देखी होगी जो यहाँ कहीं पर भी आपने जैसे कि बांध वगैरह हो बना होगा जहां लाइट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ देखा होगा या फिर कहीं आपने अलग जगह भी देखा होगा डायनेमो जनरेटर में भी देखा होगा डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है तो डायनेमो जो है ऊर्जा का रूपांतरण किससे किस में करता है फटाफट से कमेंट करके बताइएगा सही आंसर है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है तो माइक्रोफोन जो है बताइएगा फटाफट बड़ से कमेंट करके तुरंत आंसर आना चाहिए विद्युत ऊर्जा को दौनी ऊर्जा में रूपांतरित करता है माइक्रोफोन सोर सेल बनाए जाते हैं तो सोर सेल किसके बनाए जाते हैं सही आंसर है ए और बी के यानी कि सिलिकॉन के और गैलीम के ये दोनों के क्या होते हैं ये उपधातु होते हैं क्या होते हैं सिलिकॉन और गैलीम के बनाए जाते हैं उपधातु के नेक्स्ट प्रश्न है गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है सभी को पता इस प्रश्न का दाब जो है बढ़ता है यानी कि आप कभी भी नदी वगैरह में डूबिए या फिर कहीं आप टंकी हो उसमें किसी चीज को डुबाने की कोशिश कीजिए तो उसमें जो है दाब बढ़ेगा आपको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है फटाफट से कमेंट कीजिएगा तो घटता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है क्यों झुकता है फटाफट से कमेंट करिएगा इसका सही आंसर है स्थायित्व तो बढ़ाने के लिए बहुत सारे बोलेंगे पिसलने से बचने के लिए तेज चलने के लिए नहीं स्थायित्व तो को बढ़ाने के लिए जो है वो ऐसा करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल बढ़ेगा घटेगा अपरिवर्तित रहेगा पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सभी का सी अपरिवर्तित रहेगा यानी कि किसी गिलास में जो है बर्फ है तो उसका जो है बार वो ऊपर पानी को उठा देता है जितना उसका बार है इसलिए जो है जो बर्फ तैर रही है उसके बराबर रहेगा यानी कि अपरिवर्तित रहेगा बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे घटेगा बढ़ेगा तो बिल्कुल गलत है याद रखना है अपरिवर्तित रहेगा नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है बताइए भड़ से। क्वेश्चन है। है। हर बार परीक्षा में पूछा जाता रेलवे का फेवरेट है और आपके राजस्थान के कोई भी एग्जाम होते हैं सभी का फेवरेट क्वेश्चन है तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन की पावर फिफ्टीन राइट आंसर है मीटर में याद रख लीजिएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी के तल का प्लायन वेग कितना है पृथ्वी के तल से कोई वस्तु फेंकनी है आपको आकाश में तो उसका प्लाइन वेग कितना है सभी को बताओगा इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर और जो है चंद्रमा से कितना है चंद्रमा से है टू पॉइंट थ्री सेवन याद रख लेना ये भी इंपॉर्टेंट है किलोमीटर पर सेकेंड ठीक है यह चंद्रमा वाला है और ये आपको जो मैंने बताया पृथ्वी का है नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है चाबी से भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा नेक्स्ट प्रश्न है झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा जो उसका आवर्तन काल फटाफट भड़ से बताइएगा तो आपने कभी झूला झूलते हुए देखा होगा या खुद झूले होंगे तो आपको सभी को बताया उसका आवर्तनकाल जो है कम हो जाता है क्या हो जाता है कम हो जाता है झूला झूलती हुई कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो उसका जो है आवर्तकाल जो है कम हो जाता है नेक्स्ट प्रश्न है पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है सभी को बता होगा इस प्रश्न का तो इंपॉर्टेंट है चार डिग्री सेल्सियस पर अगला है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है इस प्रश्न भी बार बार में हर परीक्षा में पूछा जाता है कोई भी एग्जाम उठा लीजिएगा आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स के कोई भी प्रश्न देख लीजिएगा उठा के तो ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सतही तनाव के कारण किसके कारण वर्षा की बूंद का गोलाकार क्यों होता है सतही तनाव के कारण नेक्स्ट प्रश्न है तरंगों की प्रकृति होती है तो दौनी तरंगों की जो प्रकृति होती है वह किस प्रकार की होती है इसका सही जवाब हो जाएगा अनुधैर्य किस किस प्रकार की होती है अनुधैर्य प्रकार की होती है नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवर्ती तीक्षणता बढ़ती जाती है ऐसा किस कारण से होता है तो किस कारण से होता है बराबर बड़ से बताइएगा सत्ताईस प्रश्न का सही जवाब है तो आर के मिडिस तो नहीं होगा बर्नौली भी नहीं है चास भी नहीं है तो फिर क्या होगा डापलर प्रभाव आपने पढ़ा होगा अच्छे से डापलर प्रभाव बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट प्रश्न है सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है तो सोनार का अधिकांश प्रयोग कहाँ करते हैं तो आपने देखा होगा समुद्र वगैरह में करते हैं समुद्र में करते हैं ना सुना होगा आपने नहीं पढ़ा हो तो बिल्कुल सही आंसर है नाविकों द्वारा यानी कि समुद्र में जो है नाविकों द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता है सोनार का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका तरंगों किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है दौनी तिरंगों है जो है आपने कहीं डूंगर वगैरह पर्वत वगैरह के पास में जाकर जोर से बोला होगा आपकी आवाज वापस आई होगी तो आपने फिर बोला होगा फिर वापस आई होगी ऐसा देखा होगा तो ऐसा किस कारण होता है यह बताना है प्रावर्तन के कारण किसके कारण के कारण ऐसा होता है नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका रेडियो का स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन का उदाहरण है तीसरे प्रश्न का सही जवाब है और आज का लास्ट प्रश्न भी यही है अनुनाद रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है किसका अनुनाद का तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए यह तीस महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को प्रसन्न आए होंगे प्रसन्न आए है तो इस वीडियो को शेयर करना और कल भी आपके लिए मैं तीस प्रश्न लेकर के आऊँगा अब रोजाना मैं तीस प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊँगा इसलिए इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं रोजाना वीडियो लाऊँगा अन्यथा फिर मैं भी बंद कर दूंगा मुझे क्या काम है आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि आपकी जो है परीक्षाएँ नज़दीक आ रही है तो मैंने सोचा कि विद्यार्थियों के लिए कुछ हेल्प की जाए तो आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं धन्यवाद मित्रों